में याद ही रहे कि बंगाल में अगर आंदोलन ढंग से किया तो वामपंथी सरकार के उखाड़ फेंकल जा सके। भारतीय जनता पार्टी जौन की पूरे देश भर में हर राज्य में आपन कहीं ना कहीं वर्चस्व बना ले बा। भारतीय जनता पार्टी जौन तेजी से आगे बढ़ रहा बा ओकरा पर विराम लगावल बहुत जरूरी बा। गोर लगते नहीं हेरा से अभिनंदन रुआ लोग के अपना कार्यक्रम जी रुआ खुटा ठोके देखल तनी। खुटा ठोक में बिहार और बंगाल के संबंध आज विषय बा और ये विषय के जैसे ही शुरू करता नहीं तो रुआ सामने एगो नाम बड़ा तेजी से आउत हुई। वो नाम बा भिखारी ठाकुर के, भोजपुरी के शेक्सपियर। उनका नाम लेला बिना रुआ बंगाल और बिहार के दोस्ती के और आवे वाला जो हम बात रुआ लोग से कहे जा रहे हैं ओकर पूरा ना हुई। एगो छोटा सा रुआ लोग के एगो लहर सुनाओ तनी। सुमन बड़ा बढ़िया गावे ले, हम चाहब कि सुमन तनी बैकग्राउंड में सुना दो ना। ए सजनी हो, ए सजनी हो, ए सजनी पियाबा गहिले परदेसिया, ए सजनी पियाबा गहिले कलकत्तवा, ए सजनी तोर दिल पति पत्नी नतबा, ए सजनी अरे तोर दिल पति पत्नी नतबा, ए सजनी पियाबा गहिले कलकत्तवा, ए सजनी। निश्चित रूप से रुआ लोग के ऐसे याद आ गई हुई रुआ, पता बा कि बिहार के संबंध बंगाल से बड़ा दोस्ती यारी के बा और बड़ा प्रेम के संबंध बा, स्नेह के संबंध बा। ये संबंध के अगर हम जब कहे बैठी ले तो फ्लैशबैक में हमरो कुछ याद आ जाला। हमारे पिताजी सेना में रही रुआ लोग के पहले भी बतौले नहीं, और बंगाल के संबंध बहुत पुराना रहल बा। चूँकि बंगाल में वहाँ के पोस्टिंग भई रहे रिटायरमेंट के बाद दोबारा वहाँ के सेना में बुलाओ गए है, जब बांग्लादेश के लड़ाई भई रहे और बंगाल से रह करके बांग्लादेश के लड़ाई लड़ल जात रहे। तो यू नाते संबंध बहुत बड़ा बा और बिहार से बंगाल के संबंध तब और जुड़ जाला। जब रुआ बात करी ले नौकरी के, काम के, धंधा के, रोजगार के, तो बंगाल सबसे नज़दीक रहा और जाए आवे में बड़ा सुविधा रहा। ये चलते बिहार बंगाल से बड़ा नाता जुड़ गए और बड़ी संख्या में बिहार के लोग बंगाल में बा। कहल जाला कि बंगाल में एगो बिहार बसेला। ऐसा 294 गो विधानसभा जौन सीट बा ओकरा में कई गो ऐसा सीट बा, करीब 1.5 दर्जन से 2 दर्जन ऐसा सीट बा जौन सीट पर बिहार के लोग निर्णायक भूमिका में बाबूजा वोटर के रूप में। और ये दुआ के देखे के मिलल हुई कि बिहार के लोग खास करके भोजपुरी भाषा भाषी के लोग बड़ी भारी संख्या में बा, अच्छा खासा व्यवसाय भी लोग करेला और अलग अलग नौकरी रोजगार में भी बा लोग। चटकल के रुआ नाम सुन लो कब जना के ले करके जूट फैक्ट्री वजह के बड़ा फेमस रहा, बहुत मशहूर रहा है। ये सबके बीच में जब वर्तमान राजनीति के चर्चा होता तो एकरा में कुछ पीछे से आगे तक के कड़ी के जोड़ला पर रुआ पता चले कि बिहार बंगाल के कैसे जितवाई और जेकर भी जीत हुई ओकरा में बिहार के भूमिका बहुत बढ़न हुई। अब तो कई नाम और जुड़ रहा बा। पहले तो बिहार के वोटर, अब तो बिहार के एगो लड़का बंगाल में जा करके और या राजनीतिक रणनीति बनावत रहन। ममता बनर्जी के सरकार जौन बा और ममता बनर्जी के साथ उनकर संबंध बा और राजनीतिक रूप से उनका के मशवरा सलाह और राजनीतिक रणनीतिकार बन प्रशांत किशोर वो या जुड़ल मान। हालांकि उनकर संबंध बहुत सारा अलग अलग राजनीतिक दल से भी रहल बा। कहल जा रहल बा कि 2014 के चुनाव में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकर बड़ा भूमिका रहे। ओकरा बाद बिहार में भी हुआ 2015 में भूमिका उनकर देखनी। कई राज्य में उनकर भूमिका रहल बा, एमे कई राज्य में बहुत बेहतर प्रदर्शन भइल बा, कहीं कहीं फेल भी भइल बा। उत्तर प्रदेश के रुआ देखी खटिया खड़ा हो गई रहे। लेकिन जौन बंगाल के स्थिति बा वो बंगाल के स्थिति में बिहार से संबंध भइला के चलते कुछ ज़्यादा ही चर्चा में बा। और ये चर्चा ऐसे और बढ़ गई बा कि ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पूरा विपक्ष के एकजुट करे खातिर के याद हुई कि संपादक नमन मिश्रा जी के साथ बैठ करके हमें विषय पर लंबा चर्चा भी कर ले रहे हैं कि के साथ में जुड़ा था। अब बिहार में ये मामला पूरा तरह से घुमसाए लागल बा और जब घुमसाए लागल बा तो रुआ याद हुई कि ममता के जौन आंदोलन चल रहे 90 के दशक में रुआ देख लो कि
पश्चिम बंगाल एगो ऐसन राज्य रहल हा जहाँ वामपंथी लोग के बड़ा गढ़ रहल हा, और वामपंथ के लंबा समय तक, सबसे अगर लंबा समय तक कहल जाओ तो सत्ता में रहे वाला बंगाल ही रहला जौन वामपंथ के सत्ता में काबिज कैले रहे, कामयाब रखले रहे। और एकरा बाद जब बंगाल में बुद्धदेव भट्टाचार्य के शुरुआत भइल, तौना घड़ी से लेकर के ममता बनर्जी के पदार्पण भइल, ममता बनर्जी के कांग्रेस के साथ रहत रहत उनका बड़ा सफोकेशन, घुटन महसूस होके लागल रहे। और जब उनका घुटन महसूस होके लागल तो उ आंदोलन के तैयारी कैली, और कांग्रेस पर कई तरह के आरोप लगाते हुए उनका संघर्ष जौन बा 90-93 के दशक में शुरू भइल, और इस संघर्ष जमीन से होते हुए सदन तक पहुँचे के प्रयास में शुरुआत हो गई। 1998 में ममता बनर्जी अपन पार्टी बनौली तृणमूल कांग्रेस के नाम से, और चुनाव लड़े के तैयारी शुरू कर दिली। उनका यह दौर में, शुरुआती दौर में उनका वामपंथ के विरोध करे खातिर साथ बहुत लोग के मिलल, एक लंबा समय से वामपंथ के सरकार जो चलत रहे। और यह शुरुआत में कहीं ना कहीं पहला हाली जब 1998 में जब पार्टी बनैली ओकरा बाद चुनाव लड़ी, और चुनाव में एगो सीट उनका प्राप्त भई रहे। एक सीट प्राप्त भइला के बाद एगो मौका उनका बहुत बेहतरीन मिल गई, नंदीग्राम के रुआ पता हुई कि केमिकल फैक्ट्री खोले खातिर बुद्धदेव भट्टाचार्य के जो बहुत महत्वाकांक्षी योजना रहे ओकरा के लेकर के बहुत सारा चीज़ शुरू हो गया। 2004 में जब ममता बनर्जी के पदार्पण भइल, और एहिया से शुरुआत उनकर राजनीतिक रूप से सदन के रूप में भइल, और सदन में पहुँच गई दिल्ली। लेकिन उनकर पूरा मन जो बसत रहे उ बंगाल में बसत रहे, उनका नज़र में आ गई रहे कि बंगाल में अगर आंदोलन ढंग से कई जाओ तो वामपंथी सरकार के उखाड़ फेंकल जा सकेला, और यही बीच में उनका मौका भी मिल गई। अब जब मौका उनका मिल गई तो यह मौका में उनका के चूँकि मजदूर वर्ग खास करके बिहार के लोग रहे, और बिहार के लोग या जगह जमीन लेकर के भी थोड़ा बहुत जगह जमीन जगह लगे रुपया पैसा रहे वो अपन लेकर रहत रहे। अब नंदीग्राम के जैसे ही मामला सामने आई और केमिकल फैक्ट्री के बाद बुद्धदेव भट्टाचार्य के सरकार ओकरा पर जब मुहर लगा दिलस, तब ममता बनर्जी के पदार्पण भइल, और ममता बनर्जी पूरा जोश से ओमें शामिल भइली, और ई आंदोलन बड़ी लंबा घिचल, लंबा घिचल कि 2007 में नंदीग्राम के ई आंदोलन जो रहे वो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के एक बड़ा जीवन दान दे दिलस, उनका के राजनीतिक रूप से पूरी तरह से स्थापित कर दिलस। एकरा बाद से केमिकल फैक्ट्री तो ना खुलल, लेकिन ममता बनर्जी के सरकार ओहिया बन गई, और ओकरा बाद से लगातार ममता बनर्जी पीछे मुड़ के ना टिकली। ओकरा बाद 2009 के लोकसभा चुनाव में भी 42 जो सीट बा ओहिया के ओकरा में भी बहुत बेहतरीन प्रदर्शन उनकर भइल, 2004 में भी अच्छा प्रदर्शन कैले रही। एकरा बाद 19 सीट लेकर के केंद्र में पहुँचली, ओकरा बाद से रुआ देखते बनी कि लगातार दूसरा बार वो मुख्यमंत्री के कुर्सी पर काबिज भइली, और कहीं ना कहीं ये अब भारतीय जनता पार्टी जौन की पूरे देश भर में हर राज्य में अपन कहीं ना कहीं वर्चस्व बना ले बा, बिहार के भी देखो तो बिहार में हाल ही में चुनाव हो रहा, इस चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के बहुत बेहतरीन आंकड़ा मिलल बड़ू, 21 सीट बेसी मिलल बा। नीतीश कुमार के एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के सीट बढ़ना भारतीय जनता पार्टी के हौसला बुलंद कैले बा, और एकरा के लेकर के अब भारतीय जनता पार्टी बंगाल में जम करके अपन चुनावी रणनीति बना रहल बा। एकरा के लेकर के ही कहल जा रहल बा कि नीतीश कुमार के साथ उनका साथ चलता, लेकिन यह बीच में ममता बनर्जी के साथ विपक्ष के लगभग सभी दल जौन की भारतीय जनता पार्टी के विरोध में बन उस सारा लोग के साथ ममता बनर्जी के मिले के संभावना व्यक्त कर जाता। ओकरा में कहल जा रहा बा कि तेजस्वी यादव तो खैर पहले ही से अपन समर्थन दे दिले वाले, एकरा अलावे कई राज्य के मुख्यमंत्री, यहाँ तक ले कि कांग्रेस के भी कई मुख्यमंत्री हामी भर दिले वाले, और भारतीय जनता पार्टी के विरोध में जौन ई एक नया बिगुल फूके जा रहा बड़ी ममता बनर्जी, एकरा में बिहार के सपोर्ट और समर्थन बहुत जबरदस्त बा। अब देखे वाला बात यह हुई कि बिहार के लोग के ममता बनर्जी या फिर भारतीय जनता पार्टी के बेहतर ढंग से समझा सकता, कारण कि एक बड़ा वोटर वर्ग कहीं ना कहीं बिहार के लोग बा,
बिहार के लोग बंगाल के अलग अलग क्षेत्र में, खास करके अगर कहल जाओ तो शहरी क्षेत्र के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र में भी अपन अच्छा खासा पैठ बना ले वालों, चाहे वो रोजगार से होके व्यवसाय से होके कृषि से होके, हर क्षेत्र में बिहार के लोग के या वर्चस्व बा। हम रुआ से पहले बतौनी है कि लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा ऐसा सीट बा, लगभग 3 दर्जन के से भी ज़्यादा सीट बा, जौना के ले करके बिहार के लोग माने पूरी तरह से वो सीट के जीत हार के फैसला करेला। अब इस सब बात के लेकर के जहाँ एक तरफ बिहार के जितना भी जुड़ल नेता वाले केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक NDA के और भारतीय जनता पार्टी के, उनका के जुटावे के तैयारी चल रहा बा। इस सबसे बड़ा प्रतिष्ठा के प्रश्न हो गई बा भारतीय जनता पार्टी खातिर, कारण के रूप पता बा कि कौना तरीका से ममता बनर्जी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में टसन चल रहा बा। और टसन के लेकर के कहीं ना कहीं एक बात तो तय नजर आता कि भारतीय जनता पार्टी जौना तेजी से आगे बढ़ रहा बा ओकरा पर विराम लगावल बहुत जरूरी बा। रुआ पता हुई कि 2004 के बाद 2005 में, 2005 के बाद फिर ओकरा आगे बढ़त चल जाई, बढ़त बढ़त रुआ चल जाई 2015 में, तो 2014 के चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतल रहे केंद्र में, और 2015 में बिहार ओकरा के पहला ब्रेक लगौले रहे जौन कि सत्ता से दूर कर देलस। हालांकि नीतीश कुमार जी सत्ता में ले आवे 2 साल के अंदर में ले आ दिले, लेकिन ओ गरीबी जौना घड़ी 2015 में नीतीश कुमार जी सत्ता में आई रहन भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध में, पूरा विपक्ष एकजुट होकर के मंच पर शामिल हो रहे, एमे सारा विपक्ष लगभग रहे, ऐसा केहू ना रहे जो ना रहे, शरद यादव से लेकर के शरद पवार तक, और यहाँ तक ले कि दक्षिण से लेकर के उत्तर तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक सारा लोग, यहाँ तक ले कि अरविंद केजरीवाल भी वो मंच पर शामिल हो रहे, और भारतीय जनता पार्टी के विरोध में एक बड़ा विपक्ष के मजबूती के दिखावे के प्रयास कल गए। हालांकि प्रयास एक बार और कल गए कर्नाटका में भी कल गई रहे, जौना घड़ी भारतीय जनता पार्टी के विरोध में कर्नाटका में भारतीय जनता पार्टी से अलग सरकार बना रहे। लेकिन इस सब बात भैला के बाद कहीं ना कहीं एक बात तो तय नजर आता कि अब के हाली के चुनाव में जौना तरीका से नीतीश कुमार पर फोकस कर जाता, और नीतीश कुमार के लेकर के ये पूरा मामला जो चल रहा बा, एकरा में अब आगे का स्टेप बढ़ी। एक तरफ जहाँ प्रशांत किशोर बाड़े जो रणनीति बना रहा बाड़े कि सारा विपक्ष के एकजुट कर लिया, ओइजे कहीं ना कहीं बिहार के लोग पर पूरा फोकस बा। अभी फोकस कब तक ले रहता और कैसे एकरा के भारतीय जनता पार्टी के विरोध में एकरा के तैयार कर जाता, ये एगो बड़ा प्रश्न हुई। एकरा साथ साथ एगो और बात बा कि हमेशा जे बंगाल में बा, जब बिहार के तरफ रुख करला, बिहार के तरफ जब नज़र घुमा के पछुआ हवा जब बहेला ना, तब पछुआ हवा सीधे जाकर के कनकनी फैला देवेला और ले करके बिहार के खुशबू जाला। जैसे रुआ याद होई कि भिखारी ठाकुर जी जब काम धंधा के फेरा में, जब गवनई बढ़िया से ना चलत रहे, तो काम धंधा के फेरा में जब कलकत्ता गइलन, लौट के जब अइलन, तो उनका घर में लोग ये कहल कि गैल कलकत्ता बबुआ पियल चापा कल के पनिया से करिया हो गई ना। अब एक के ले करके बिहार और बंगाल के संबंध के कितना घालमेल बा, इरुआ बेहतर ढंग से समझ सकिले। बिहार तय करी बंगाल में केकर सरकार बनी, और एकरा में कोनो दुराय नहीं खे। रुआ इतफाक रखतनी तो अपन विचार कमेंट बॉक्स में जरूर देव सब है। राउर एक एक विचार हमनी खातिर अमृत समान बा। एकरा साथ साथ रुआ लोग से निहोरा बा कि अपना भारत लाइव के असही दुलार और स्नेह बनौले रखी। रुआ लोग के साथ और सहयोग बड़ा जरूरी बा। रुआ लोग के सहयोग के आधार पर साँच के लड़ाई हमनी के बड़ा मजबूती के साथ लड़त रही जा। असही रुआ अपन सहयोग बनौले रही, और 1 रुपया 2 रुपया 10 रुपया 20 रुपया के ये छोटा छोटा सहयोग हमनी खातिर बहुत बड़ा जीवनदान बा। कई लोग, कई शुभचिंतक, कई परिवार के, भारत लाइव परिवार के सदस्य जौन रुआ लोग बानी, वो लगातार 1-1 हज़ार 2-2 हज़ार रुपया तक सहयोग करतानी। सब लोग के हम बहुत बहुत प्रणाम करतानी, हियरा से अभिनंदन करतानी, और आगे ये बात खातिर इंतजार करतानी कि रुआ लोग ऐसे ही ये भारत लाइव के स्नेह और प्यार बनौले रखब। फिर काल भेंट हुई यही ठेहा पर जौना के नाम है कुटा टोक के। अगर रुआ साथी, हित, नाता, गोतिया, पटीदार,
बंगाल बल जल्दी हमनिक प्रवेश करते हैं जा और बंगाल में रुआ अगर हमनिक देखतनी तो अपना हित नाता गोतिया पटीदार संगी सलेहर जे भी बा सबको इसे भारत लाइव के सब्सक्राइब करवा ली और घंटिया दबवा देव जौना से कि जैसे ही हमनिक पहुँची जा कोनो नया खबर दी जा तो तुरंत भी बिना पैसा दाम ठेबुआ खर्चा कैले पहुँच जाए गोर लागतनी। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।